पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने भी सरकार के सामने रखी मांग और शराब की दुकानें खोलने की हिमायत की है। कहा है राजा महाराजा से लेकर देवता तक करते रहे हैं पान, शराब को तो सोमरस तक का मिला हुआ है खिताब। और कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने भी दिए थे तर्क, सीएम को पत्र लिखकर शराब ठेके खुलवाने के पक्ष में दिए थे तर्क। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी भंवर एस चारण जुड़े हुए हैं। भंवर, पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने भी अपने तर्कों के जरिए कहा है कि शराब की दुकानें खोली जाएं। जी हाँ बिल्कुल, और राजावत का मोटे तौर पर यह कहना है कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। जिस तरह से शराब के ठेके लगातार बंद है और उनका तो ये तक दावा है कि ये जो शराब नाम का जो पेय पदार्थ है ये वायरस को भी रोकेगा, और साथ में उनका तर्क है कि सरकार का जो राजस्व का बहुत भारी नुकसान हो रहा है हजारों करोड़ का, उस रुके हुए राजस्व का भी रास्ता कहीं ना कहीं शराब के ठेके फिर से खुलने से उसका रास्ता भी खुलेगा। साथ में राजावत ने तर्क दिया है कि ठीक है, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू इन पर तो प्रतिबंध लगाना चाहिए क्योंकि इनको कोई आदमी खाता है तो टूटता है, लेकिन शराब को लेकर के ऐसी एडवाइजरी थोपने को राजावत ने अपने हिसाब से अनुचित माना है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि विशेषज्ञ ये बताएं जनता को कि शराब अगर इतनी ही हानिकारक है तो फिर या तो पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी जाए, नहीं तो जो मौतें हो रही है उनमें, राजावत का ऐसा कहना है कि जो भी मौतें फिलहाल कोरोना में हो रही है उनमें ऐसा कोई मामला नहीं है कि कोई शराबी जो है उसकी मौत हुई हो। तो कुल मिलाकर के एक अभियान जोर पकड़ता दिख रहा है राजस्थान में, जहां पर जो शराब के बंद ठेके हैं उनको फिर से खोलने की मांग हो रही है और अलग अलग जो नेता हैं। देखना होगा तो इस मांग का कितना असर भविष्य में नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।